वेलकम टू एवरी वन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फ्लोयम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फ्लोयम। प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नेंट टिश्यू एंड टाइप्स। दिस इज ए फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लोयम। दिस इज अ फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लोयम। द जाइलम आर discuss what is the xylem and the types. Let us now I will discuss the phloem. Phloem क्या होता है इसके बारे में हमें discuss करना है। Okay guys, phloem के types और phloem क्या होता है इसके बारे में आज discuss करेंगे। What is a phloem? The transport of the organic food, the transport of organic food, organic foods by a phloem, by a complex permanent tissue, complex permanent tissue, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन ए प्लांट विच इज नोन एज फ्लोयम। फ्लोयम इज ए टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू। फ्लोयम इज ए टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू। This is a transport of the organic substance such as carbohydrates, proteins, etc. The phloem are also known as leptome. The phloem are also known as leptome. The term of the phloem was first given by नागेली एंड हैबरलैंड
टर्म ऑफ द फ्लोएम वॉज फर्स्ट गिवेन बाई नागेली एंड हैबरलैंड दीज आर फाउंड इन ए टेडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट फंक्शन दे आर हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ दे आर हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड ऑर्गेनिक फूड एंड अदर सब्सटेंस इन ए प्लांट इन ए प्लांट यह प्लांट में क्या करता है ऑर्गेनिक फूड वगैरह और एलिमेंट और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है पूरे बॉडी में रन करता है फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीफ लीफ से स्टेम की ओर जाता है स्टेम से फिर रूट की ओर जाता है लीफ टू स्टेम ब्रांचेज देन रूट इन ए प्लांट ओके गाइज फर्स्ट क्या है इसमें सेकेंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन सिंपल परमानेंट टिश्यू के द्वारा ही होता है अब इसमें क्या होता है कि यह जो है ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है ऐसे टिश्यू को हम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप फर्स्ट जाइलम सेकेंड फ्लोएम जाइलम आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोम एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर ओवर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इसको कहते हैं द जाइलम टर्म वॉज गिवन बाई नागेली एंड हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने दिए हैं और इसके बाद जाइलम के टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें ट्रैचिड्स वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर ये चार पार्ट पाया जाता है जो क्या होता है पूरे हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन करने में वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में सहायता करता है इस प्रकार यह जो है नेक्स्ट पार्ट है यह फ्लोएम फ्लोएम आर आल्सो नोन एज लेप्टोम इसको कहते हैं इसको लेप्टोम कहते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फूड इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन ए प्लांट्स विच इज नोन एज फ्लोएम ओके गाइस फ्लोएम के अगर हम डिफिनीसन बनाते हैं
तो यह जो है एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट करने करता है इन्हें प्लांट में, और इसे ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे का फ्लोएम कहते हैं। द फ्लोएम टर्म वाज गिवन बाई नागेली द फ्लोएम टर्म वाज गिवन बाई नागेली नागेली ना नागेली 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 एंड हैबरलैंड हैबरलैंड साइंटिस्ट, इन दोनों ने फ्लोएम के टर्म दिए हैं। फ्लोएम आर आल्सो नोन एज लेप्टोम, इसको कहते हैं, ध्यान देखिएगा, द फ्लोएम आर आल्सो नोन एज लेप्टोम। लेप्टोम क्या होता है इसके बारे में हम लेप्टोम के बारे में बताएँ। फिर इसके बाद दीज आर फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स, कहाँ कहाँ यह पाया जाता है टेरिडोफाइट्स। ओके, फर्स्ट फ्लोएम सीन दिखाई देता है टेरिडोफाइट्स में, फिर उसके बाद सेकेंड है आपका जिम्नोस्पर्म में यह दिखाई देता है, तब इसके बाद जाकर के एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप होता है। ओके, तो यह जो है कहाँ पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह पाया जाता है। फंक्शन, दे आर हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है, एंड अदर सब्सटेंस और एलिमेंट वगैरह के ट्रांसपोर्ट में भी सहायता करता है। इस प्रकार इन्हें प्लांट या फूड जो बनता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लीफ में जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसका ट्रांसपोर्ट बाय द फ्लोएम के द्वारा होता है। यह लीफ से स्टेम की ओर जाएगा, स्टेम से ब्रांचेज की ओर जाएगा, ब्रांचेज से फिर देन रूट की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, देन रूट की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रकार यह जो है फ्लोएम के बारे में आपको इतना चीज़ें मैं बता दिया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और केयर कर लीजिए आप, जो है यह ऐसा यह ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्ट करता है बाई एक टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हें प्लांट भी चीज़ नोन है फ्लोएम, उसको हम क्या कहेंगे फ्लोएम कहेंगे। द टर्म फ्लोएम वॉज फर्स्ट गिवन बाई नागेली ने टर्म दिया है, और हैबरलैंड ने नागेली ने इसको टर्म दिए हैं। दीज आर फाउंड इन द, कहाँ पाया जाता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह पाया जाता है। ओके गाइज, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह। ठीक, यह आपका हो गया फ्लोएम के बारे में। अब इसके टाइप के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके टाइप में क्या है, कैसे हैं, कौन कौन से सेल इसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार इसके टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ द फ्लोएम, मेनली फ्लोएम आर फोर टाइप ऑफ द फ्लोएम, देयर आर फॉलोइंग फोर टाइप ऑफ द फ्लोएम। फर्स्ट सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, फर्स्ट है सीव ट्यूब्स एलिमेंट, सेकेंड है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, थर्ड है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फोर्थ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। दिस इज अ टाइप ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के टाइप की बात करते हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट आपका है क्या, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, सेकेंड कंपेनियन सेल, थर्ड
फ्लोएम फाइबर, फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट, फर्स्ट क्या है सीव ट्यूब एलिमेंट, सेकेंड क्या है कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके गाइज, तो सीव ट्यूब्स एलिमेंट फर्स्ट, फर्स्ट क्या है सीव ट्यूब्स एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, दीज आर कंडक्टिंग एलिमेंट, कंडक्टिंग एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, दीज आर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, and arrange arrange end to end in a linear row, end in linear row with septa, they have a sieve pores, sieve pores thin and consist of thin cellulosic wall, cellulosic wall, thin cellulosic walls comma living cell, living cell, these are without nuclei at maturity, these are without nuclei at maturity, these are without nuclei at maturity. Okay, sieve tubes elements क्या होता है इसके बारे में देखिए, these are conducting
कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, ये कैसा होता है, कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम्स एंड अरेंज एंड टू एंड लीनियर रो ऑफ द सेप्टा। इसमें लीनियर रो ऑफ द सेप्टा पाया जाता है। दे हैव ए सीव पोर्स, सीव पोर पाया जाता है एंड दीज थिन सेलुलोजिक वाल। दे हैव ए सीव पोर एंड थिन सेलुलोजिक वाल एंड लिविंग सेल। ओके, दीज आर विदाउट न्यूक्लियाई, विदाउट न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। सीव ट्यूब एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है और यह कैसा होता है, लिविंग होता है, लेकिन मैच्योरिटी पर क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है। इसमें सीव पोर का, सीव पोर जो पाया जाता है, यह जो सीव पोर जो पाया जाता है, कभी कभी यह क्या होता है कि विंटर सीजन में इसके जो पोर होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है और कैलोज का फॉर्मेशन हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक हो जाने से फूड का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, जिससे प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस प्रकार सीव पोर का यह फंक्शन है, यह फूड का ट्रांसपोर्ट में काम करता है। ओके गाइज, यह सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, यह कहाँ पाया जाता है, दीज आर फाउंड इन फाउंड इन ए टेरोफाइट्स, टेरोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ओके, यह कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेरोफाइट्स में पाया जाता है, अकर होता है। और इसका अगर हम इसके अगर फंक्शन की बात करते हैं तो कभी कभी यह क्या करता है, थीन पेरेनकाइमेटस से बना होता है, यह जो है वाटर का सॉरी फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। दीज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड्स, दीज आर हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन ए प्लांट। ओके गाइज, इस प्रकार ये आपका फर्स्ट टाइप है सीव ट्यूब से एलिमेंट्स। सीव ट्यूब से एलिमेंट्स, दीज आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोएम का या कंडक्टिंग एलिमेंट्स होता है। अरेंज इंड टू इंड लीनियर रो ऑफ द सेप्टा, लीनियर रो ऑफ द सेप्टा में अरेंज होता है। दे हैव ए सीव पोर, सीव पोर का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेट करना। कभी कभी विंटर सीजन में यह ब्लॉक हो जाता है, पोर बंद हो जाता है, तो फूड का ट्रांसलोकेट स्टॉप हो जाता है, जिससे यह प्लांट क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, एंड थिन सेलुलोजिक वाल एंड लिविंग सेल से बना होता है। दीज आर विदाउट न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। दीज आर फाउंड इन टेरोफाइट, टेरोफाइट में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। हेल्प क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड में यह हेल्प करता है। इस प्रकार ये आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स फिनिश हो गया। इसके बाद सेकेंड है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, दीज आर थिन वॉल्ड सेल्स, दीज आर थिन वॉल्ड सेल, थिन वॉल्ड सेल कामा विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस
with distinct distinct nucleus and living cells. The sieve tubes, element and companion cell are connected through a pit. The sieve tubes, element and companion cell are connect through a pits ये पीट द्वारा कनेक्ट होता है और यह जो है आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है. दीज आर अकर्स इन ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है. टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है. Absent in gymnosperm pteridophytes. दो pteridophytes और gymnosperm में यह absent होता है. Function transport का काम करता है और कुछ food वगैरह store करने में सहायता करता है. ओके गाइज, इस प्रकार ये आपका हो गया कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल आर थिन वाल्ड सेल होता है, लिविंग होता है और डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द मेनी न्यूक्लियस पाया जाता है. ओके, इस प्रकार ये आपका जो है और सीव एलिमेंट्स आर कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, पिट्स के द्वारा कनेक्ट होता है. और यह कहाँ पाया जाता है, ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है. जिम्नोस्पर्म एंड टेडोफाइट्स में क्या होता है, अब्सेंट होता है. जिम्नोस्पर्म एंड टेडोफाइट्स में अब्सेंट होता है और उसमें प्रेजेंट होता है. ओके, इस प्रकार आपका जो है सेकेंड फिनिश हो गया. थर्ड अगर हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर. सेकेंड कंपेनियन सेल्स थर्ड है आपका इसमें फ्लोएम फाइबर. दीज आर कॉमनली नोन एज फ्लोएम फाइबर में क्या होता है, दीज आर कॉमनली नोन एज known as bast fiber, these are commonly known as bast fiber, with mad by स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स
with tapering end and mad with tapering end. Tapering end. Okay guys, phloem fiber क्या होता है? यह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ रखकर इन द फ्लोएम विच मेड बाय द बास्ट फाइबर. बास्ट फाइबर इस पर पाया जाता है और यह बास्ट फाइबर से बना होता है. एंड मेड बाय द स्क्लेरन काइमेटस सेल्स. स्क्लेरन काइमेटस सेल्स से यह बना होता है. विथ टेपरिंग एंड होता है, पॉइंटेड एंड होता है. और यह जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? दीज आर अकर इन द जिम्नोस्पर्म. दीज आर अकर इन ए ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्मिक एंड टेरोफाइट्स में आर एब्सेंट होता है. ओके, दीज आर अकर इन ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह पाया जाता है. फंक्शन, दीज आर हेल्प मैकेनिकल सपोर्ट्स. मैकेनिकल सपोर्ट्स ये मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है. दीज आर हेल्प मैकेनिकल सपोर्ट्स. ओके, दीज आर कॉमनली नोन एज बास्ट फाइबर मेड बाय द स्क्लेरन काइमेटस सेल्स विथ टेपरिंग एंड. दीज आर अकर इन ए ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. दीज आर हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स में सहायता करता है. नेक्स्ट है आपका लास्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा दीज हैव ए थिन वॉल एंड मैड बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर इंटरमिक्स विथ सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स इंटरमिक्स विथ सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स. ओके गाइज, दे हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स. स्टोरेज ऑफ फूड्स यह हेल्प क्या करता है? फंक्शन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड स्टोरेज ऑफ द फूड. स्टोरेज ऑफ द फूड में यह सहायता करता है. और यह कहाँ पाया जाता है? दीज आर अकर इन ए जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह पाया जाता है. और यह काम क्या करता है? स्टोरेज करता है फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. फूड स्टोरेज का काम करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड का काम करता है. ओके गाइस,
फ्लोयम पैरेन्काइमा, फ्लोयम पैरेन्काइमा फोर्थ पार्ट है, या फ्लोयम पैरेन्काइमा फॉर दीज है वे थिन वाल्ड सेल लिविंग सेल होता है एंड मेड बाई पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है विच आर इंटरमिक्सड विथ सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स से इंटरमिक्स होता है, दे हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, फूड ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है एंड स्टोरेज ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ द फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड का काम करता है, या दे हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड स्टोरेज ऑफ द फूड का काम करता है, ओके और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में पाया जाता है, ओनली टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट रहता है, टेरिडोफाइट्स में क्या रहता है एब्सेंट रहता है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में यह क्या होता है पाया जाता है। इस प्रकार यह आपका फोर टाइप्स ऑफ द सीव टू फ्लोयम फिनिश हो गया। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, टाइप ऑफ द फ्लोयम्स, फ्लोयम टाइप फर्स्ट क्या था सीव ट्यूब्स एलिमेंट, सेकेंड क्या है आपका कंपेनियन सेल्स, और थर्ड है फ्लोयम फाइबर, और फोर्थ है फ्लोयम पैरेन्काइमा। ओके गाइस, तो यह जो है आपका इस प्रकार जो है फ्लोयम पैरेन्काइमा है क्या है, यह थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बना, दीज आर हेल्प इन द दीज आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, और स्टोरेज का भी यह काम करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ द फूड का काम करता है, यह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, और पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, इंटरमिक्स्ड होता है सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स और जो है ये सबसे इंटरमिक्स होता है। इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कोई अब फिगर है, बना के आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आना चाहिए। इस प्रकार यह इंटरमिक्स होता है, इसमें फ्लोएम वगैरह पा जाता है। इंटरमिक्स होता है, इस प्रकार यह होता है। इसी बीच में आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है, यह हो गया। यह आपका हो गया सीव ट्यूब स्पोर, सीव पोर होता है, यह सीव पोर हो गया, और यह फ्लोयम पैरेन्काइमा हो गया, यह आपका क्या हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब प्लेट हो गया, या देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, और इसी बीच में देखिए एक कंपेनियन सेल आपका रहेगा, फिगर शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लोएम, फिगर शोइंग लिख दीजिए, शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लोएम,
different type of the phloems. इस प्रकार है आपका फ्लोएम हो गया, देखिए फ्लोएम पैलकाइमा हो गया, यह आपका कंपेनियन सेल, इसके बाद सीव ट्यूब सेलिमेंट्स हो गया आपका सीव ट्यूब सेलिमेंट्स। अब इसी में आपका फ्लोएम फाइबर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो इसी में फ्लोएम फाइबर भी इसको फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार यह आपका टाइप हो गया, सभी पार्ट आपका जो है टिश्यू फिनिश हो गया। टिश्यू का ये इतना लॉन्ग पार्ट था, थर्ड था, फर्स्ट जो था आपका जो है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, सेकंड फर्स्ट मेरिस्टमैटिक टिश्यू था, सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू था, मेरिस्टमैटिक टिश्यू था फर्स्ट क्या था आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किए थे, फिर मेरिस्टमैटिक टिश्यू के टाइप्स बहुत थे, फिर उसके बाद जो है आपका परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स था। इसी प्रकार यह जो है जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स में आ गया। इस प्रकार यह सभी चीज़ें आपका एक्सप्लेन हो गया है। आप इसको गाइज अच्छी तरह तैयारी करिए। ओके, गुड बाय। दिस इज ए जाइलम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह पूछा जाता है। जाइलम फ्लोएम के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, गुड बाय।